Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss Fur, a story by Hector Hugh Munro. Hector Hugh Munro ko Saki ke naam se duniya jaanti hai. Isi pseudonym se, isi pen name se Hector Hugh Munro likha karte the. Fur is kahani ke madhyam se किस बात को साकी बताना चाहते हैं, किस प्रकार के जेलसी को, किस प्रकार के दुश्मनी को दोस्तों के बीच में दरार होते हुए इस कहानी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। जब भी फूलों को चलने की चाहत होती है तो इस प्रकार के अलग अलग कांटों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्ती ने किस तरह से लुभाया है, दोस्ती ने किस तरह से लुभाया है, जब भी चाहत की हमने फूलों पर चलने की तो कांटा किसी दोस्त ने ही चुभाया है। दोस्ती के बीच में दरार को पेश करती ये कहानी है, साकी कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। हेक्टर ह्यू मुनरो का जन्म 18 दिसंबर 1870 को हुआ एंड ऑन 14 नवंबर 1916 ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बेटर नोन बाय द पेन नेम साकी। Pseudonym Saki ke naam se wo jane jaate hain, also frequently as H.H. Munro, was a British writer whose witty, mischievous and sometimes macabre stories satirizes Edwardian society and culture. Apne alag andaaz ke liye, shararti kahaniyon ke liye, shararti kirdaron ke liye aur dark side of the stories ke liye wo jane jaate hain. He is considered by English teachers and scholars a master of short story and is often compared to O. Henry, Dorothy Parker. Teachers के द्वारा, scholars के द्वारा उनको short story writer के masters के रूप में जाना जाता है. Influenced by Oscar Wilde, Lewis Carroll and Rudyard Kipling, he himself influenced A.A. Milne and P.G. Woodhouse. अलग-अलग लोगों को भी प्रभावित किया है और रुडियार्ड किपलिंग जैसे राइटर से भी वो खुद प्रभावित हुए हैं। साकी की ये कहानी इन ए फर बाय साकी वी हैव द थीम्स ऑफ सेल्फिशनेस, अपीयरेंस एंड फ्रेंडशिप, बिटरनेस, काइंडनेस एंड रिवेंज। अलग अलग पहलुओं को इस कहानी के माध्यम से साकी ने बताने का प्रयास किया है। स्वार्थ किस प्रकार से दोस्ती पर हावी हो जाता है, दिखावापन कैसे आता है, दोस्ती में कड़वाहट कैसे पैदा होती है और फिर बदले की कहानी कैसे करवट बदलती है, ऐसे अलग अलग एंगल्स को साकी ने इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। टेकन फ्रॉम द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, द स्टोरी इज नरेटेड इन थर्ड पर्सन बाय द अननेम्ड नरेटर एंड आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द रीडर रियलाइज दैट साकी मे बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ सेल्फिशनेस। इस पूरी कहानी को समझने के बाद बात समझ में आती है कि साकी किसी स्वार्थी दोस्ती में स्वार्थ के हावी होने की बात को कहते हैं। यहाँ से कहानी शुरुआत होती है। दो किरदारों को समझेंगे हम, एलियनोर और सुजैन के, और एलियनोर और सुजैन के बीच में किस प्रकार का डायलॉग होता है यहाँ से साकी बताते हैं। यू लुक वरीड डियर, एलियनोर ने कहा, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। I'm worried, admitted Suzanne. Suzanne ने इस बात को accept किया। हाँ, मैं चिंतित हूँ। Not worried exactly, but anxious. सिर्फ चिंताग्रस्त नहीं, बल्कि उत्सुकता और चिंता दोनों है। You see, my birthday happens next week. तुम्हें पता है, मेरा birthday अगले हफ्ते आने वाला है। Eleanor कहती है, you lucky person, interrupted Eleanor. My birthday doesn't come until the end of March. तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। मार्च के पहले तो मेरा बर्थडे आएगा ही नहीं। Well, old Bertram Knight is over in England just now from the Argentine. वो बताती है कि हमारा एक रिश्तेदार है बर्ट्राम नाइट, वो अभी इंग्लैंड से वापस आया है, इंग्लैंड वापस आया है अर्जेंटीना से। एंड ही इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस कजिन ऑफ माय मदर्स एंड सो एनॉर्मसली रिच दैट वी हैव नेवर लेट द रिलेशंस ड्रॉप आउट ऑफ साइट। मेरे माँ का दूर का रिश्तेदार है, भाई होता है दूर के रिश्ते में, और इस लिहाज से वो मेरा मामा हो गया। एंड सो इनॉर्मसली रिच, इतना रईस है, इतना ज्यादा पैसा है उसके पास,
नेवर लेट द रिलेशनशिप ड्रॉप आउट ऑफ साइट, हमने कभी इस रिश्ते को नजर से ओझल नहीं होने दिया। इवन इफ वी डोंट सी हिम और हियर फ्रॉम हिम फॉर इयर्स, ही इज ऑलवेज कार्शन बर्चम व्हेन ही डस टर्न अप। हमने भले ही उसके साथ बातचीत ना की हो, कभी देखा नहीं हो उसको सालों साल, कभी उससे लेटर्स नहीं आते, खबरें नहीं आती, फिर भी कजिन बर्ट्रम जो है, व्हेन ही डज टर्न अप, वो जब भी आता है हमारा भाई हो जाता है, मामा हो जाता है। आई कांट से ही इज एवर बीन मच ऑफ सॉलिड यूज टू अस। अब ये बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकती कि वो हमेशा हमारे काम में आया है, बट एस्टरडे द सब्जेक्ट ऑफ माई बर्थडे क्रॉप्ड अप। पर कल बातचीत हो रही थी, अचानक मेरे बर्थडे का मुद्दा सामने आया एंड ही आस्क्ड मी टू लेट हिम नो व्हाट आई वांटेड फॉर अ प्रेजेंट। फिर उसने एक सवाल पूछ लिया कि मुझे बर्थडे में क्या चाहिए प्रेजेंट के रूप में। नाउ आई अंडरस्टैंड द एंग्जायटी, ऑब्जर्व एलिनार। अब तुम्हारे मन में जो एंग्जायटी है, किस बात की चिंता है, अभी समझ में आया। एलिनार और सुजान के बीच में बातचीत चल रही है। As a rule, when one is confronted with a problem like that, said Suzanne, all one's ideas vanish. One doesn't seem to have a desire in the world. जब इस प्रकार की कश्मकश होती है, इस प्रकार का विवाद आता है, तो समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की गिफ्ट को चुना जाए। सारी आइडियाज खत्म हो जाती है। One doesn't seem to have a desire in the world, और कोई इच्छा बचती ही नहीं। Now it so happens that I have been very keen on a little Dresden figure that I saw somewhere in Kingston and 36 shillings. अब बातें चीतें चल रही है एलिनोर और सुजान के बीच में। वो सुजान को कहती है कि सुजान कहती है कि अभी मेरे दिमाग में अलग अलग आइडियाज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रेसडेन फिगर्स ले लेना चाहिए। कुछ छोटे छोटे आकार की इस प्रकार की मूर्तियां होती है जिसको सुजैन खरीदना चाहती है। पर इस प्रकार की मूर्तियों को लेने के पहले भी एक सवाल उसके मन में है कि कैनिंगस्टन के दुकानों में जाकर इस प्रकार की मूर्तियों को खरीदने की कोशिश भी करते हैं तो 36 शिलिंग्स में आ ही जाती है। ये ओल्ड इंग्लिश करेंसी है, 1 शिलिंग में 12 पेंस हुआ करते थे, एंड क्वाइट बियॉन्ड माई मीन्स। अब उसको लगता है कि इस प्रकार की मूर्तियों को खरीदना, ड्रेसडेन फिगर्स को खरीदना मेरे पहुंच के बाहर था। आई वॉज वेरी नियरली डिस्क्राइबिंग द फिगर एंड गिविंग बर्ट्रम द एड्रेस ऑफ द शॉप। अब मैं इस मूर्तियों को खरीदना ही चाहती थी बर्थडे में गिफ्ट के लिए, और मैं बर्ट्रम को एड्रेस देने वाली थी। एंड देन इट सडनली स्ट्रक मी दैट 36 शिलिंग्स वॉज सच अ रिडिकुलस इनएडिक्वेट सम फॉर अ मैन ऑफ हिज इमेंस वेल्थ एंड टू स्पेंड ऑन बर्थडे प्रेजेंट। मैं इस ड्रेसडेन मूर्तियों की बात मैं बर्ट्रम को बताने ही वाली थी, पर उस समय मेरे दिमाग में ख्याल आया 36 शिलिंग्स शायद मेरे लिए ज्यादा अमाउंट हो सकता है, पर बर्ट्रम जैसे रईस आदमी के लिए जिसके पास अकूट धन संपदा है, उसके लिए तो ये बहुत छोटा अमाउंट है। इतनी छोटी अमाउंट के लिए अगर मैं उसको गिफ्ट कहूंगी तो रिडिकुलसली इनएडिक्वेट, ये मजाक का विषय बन जाएगा। और मुझे लगा कि बर्थडे प्रेजेंट के लिए इतना सस्ता गिफ्ट मैंने उससे नहीं मांगना चाहिए। ही कुड गिव 36 पाउंड्स एज इजीली एज यू और आई कुड बाय अ बंच ऑफ वॉयलेट्स। अब मैं चाहूँ तो ऐसे कई सारे फ्लावर्स वॉयलेट्स के मैं खरीद सकती हूँ, और वो शिलिंग तो छोड़िए कई पाउंड मुझे वो दे सकता है। आई डोंट वॉन्ट टू बी ग्रीडी ऑफ कोर्स, बट आई डोंट लाइक बींग वेस्टफुल। अब गिफ्ट मांगते समय महंगा गिफ्ट मांगू और लोगों को ऐसा लगने लगे कि मैं लालची हूँ, तो अपना लालच दिखाने से अच्छा है कि मैं लालच ना दिखाऊं। पर एक बात भी है कि मैं कोई फालतू गिफ्ट भी नहीं लेना चाहती जो बहुत सस्ता और चीप हो। The question is, said Eleanor, what are his ideas as to present giving? पर एलियनॉर ने कहा, एक एक बात तो जानने का प्रयास करते कि बैटरम किस प्रकार की गिफ्ट को पसंद करता है, किस प्रकार की गिफ्ट देने की इच्छा और आइडिया उसके मन में है। Some of the wealthiest people have curiously cramped views on that subject. हो सकता है जो रईस लोग हों उनके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज भीड़ भाड़ में मची हुई हो,
बहुत सारी आइडियाज का घमासान उनके दिमाग में हो। व्हेन पीपल ग्रो ग्रेजुअली रीच द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सपैंड इन प्रमोशन इन प्रोपोर्शन, जब लोग धीरे धीरे रईस होने लगते हैं तो उनके आइडियाज जो है स्टैंडर्ड्स के, वो भी अपने आप एक्सपैंड होने लगते हैं। वो साधारण बात के ऊपर विश्वास नहीं करते। व्हाइल देयर प्रेजेंट गिविंग इंस्टिंक्ट्स ऑफन रिमेन इन अंडर डेवलप्ड कंडीशन ऑफ देयर अर्लियर डेज। पर एलियनोर का ऑब्जर्वेशन है, बढ़ते संपत्ति के साथ वो रईस हो जाते हैं, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता है, पर गिफ्ट देने की जो आइडिया है वो जरा अनडेवलप्ड रह जाती है, वो नहीं बढ़ती। भले ही पैसा बहुत हो पर गिफ्ट बहुत छोटा ही लेते हैं। समथिंग शोई एंड नॉट टू एक्सपेंसिव इन शॉप इन देयर ओनली कंसेप्शन ऑफ द आइडियल गिफ्ट। और रईस लोगों की गिफ्ट देने की आइडिया बस इतनी है कि दिखावा करना, कोई ऐसे गिफ्ट लेना जो दिखने में बहुत रईस लोगों के दी गई गिफ्ट जैसे लगे पर ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, महंगी ना हो। बस यही उनकी कॉन्सेप्ट रहती है, ताकि हमारी रईसी भी बची रहे और गिफ्ट में पैसा भी ज्यादा ना लगे। दैट इज वाई इवन क्वाइट गुड शॉप्स हैव देयर काउंटर्स एंड विंडोज क्राउडेड विद थिंग्स वर्थ अबाउट 4 शिलिंग्स दैट लुक एज इफ दे माइट बी वर्थ ऑफ 7 एंड 6। इसलिए दुकानों में ऐसे ही अलमारियां भरी होती है गिफ्ट से, जहां पर 3-4 शिलिंग में मिल जाने वाली चीजें हो जाती है। सस्ती बहुत चीजें हैं, दिखने में बहुत महंगी लगती है, एंड आर प्राइस है 10 शिलिंग्स एंड लेबल सीजनेबल गिफ्ट्स। और सीजनेबल गिफ्ट्स के इस श्रृंखला में ऐसी बहुत सारी गिफ्ट वहां पर दिखाई देती है। दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही है रईसों के एटीट्यूड के बारे में और गिफ्ट के बारे में सोच रही है। आई नो, सेड सुजैन। सुजैन ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। दैट इज वाई इट इज सो रिस्की टू बी वेग व्हेन वन इज गिविंग इंडिकेशन ऑफ वंस वॉन्ट। पर जब कोई इशारा कर रहा हो गिफ्ट के बारे में और हम उसके बारे में ज्यादा क्लियर ना हो गिफ्ट के बारे में, तो रिस्की है। नाउ इफ आई से टू हिम आई एम गोइंग आउट टू डिवोर्स दिस विंटर, अगर मैं बेटराम से ये कहूँ कि मैं डिवोर्स जा रही हूँ इस विंटर में। डेवोस स्विट्जरलैंड की बहुत सुंदर जगह है। सो एनीथिंग इन द ट्रैवलिंग लाइन वुड बी एक्सेप्टेबल। अगर मैंने डेवोस जाने की बात अगर बड़े टाइम से कही इस विंटर में और कहा कि सफर में जो भी चीज लग सकती है वो एक्सेप्टेबल है, ही माइट गिव मी अ ड्रेसिंग बैग, तो वो क्या करेगा? मामा मुझे कोई ड्रेसिंग बैग देगा विद गोल्ड माउंटेड फिटिंग्स? बट वन द अदर हैंड ही माइट गिव मी बेडेकर्स स्विट्जरलैंड्स और स्कीइंग विदाउट चेयर्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगर मैंने ऐसे कहा तो हो सकता है कोई बैग दे दे मुझे डेवोस जाने के लिए, या फिर हो सकता है वो बेडेकर स्विट्जरलैंड के मैप को दर्शाने वाली कोई किताब दे दे, या स्कीइंग विदाउट चेयर्स, या फिर स्कीइंग करते समय लगाने के लिए कुछ चश्मा वगैरह खरीद कर दे दे, बस ऐसी ही चीजें कुछ देगा। इसलिए मैं डेवोस जाने की बात उससे करूं या ना करूं, ये भी एक कन्फ्यूजन वाला सवाल सुजैन के मन में है। ही वुड बी मोर लाइकली टू से शी विल बी गोइंग टू लॉट्स ऑफ डांसेस, अ फैन विल बी श्योर टू बी यूजफुल। अगर मैंने उससे कहा डेवोस जा रही, तो वो कहेगा हाँ ठीक है, वहां पर बहुत सारा डांस होता है, लोग डांस करते हैं, और एक फैन तुम्हारे लिए अच्छा गिफ्ट होगा। यस एंड आई हैव गॉट टन्स ऑफ फैंस, और इसलिए नहीं बता रही, मुझे पास ऐसे कई सैकड़ों फैन हैं हवा करने के लिए। सो यू सी वेयर द डेंजर एंड एंग्जाइटी लाइज। अब समझ जाओ कि खतरा कहाँ पर है और चिंता कहाँ पर है। नाउ इफ देयर इज वन थिंग मोर देन अनदर दैट आई रियली अर्जेंटली वॉन्ट इट इज फर्स्ट। अब फैन खरीदना कि बेरिकर्स का वो बुक खरीदना, या फिर कुछ नई चीज, या फिर ड्रेसडेन फिगर्स खरीदना, इससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई फर मिल जाए तो अच्छा। आई सिंपली हैवंट एनी, मेरे पास फर से बना हुआ कोई भी चीज नहीं है, इसलिए क्यों ना जानवरों की खाल से बना हुआ कोई स्टोल वगैरह मुझे दे दिया जाए। आई एम टोल्ड दैट डेवोस इज फुल ऑफ रशियंस। मुझे पता चला है कि डेवोस रशियन फर से भरा हुआ प्रदेश है, एंड देयर आर श्योर टू वेयर द मोस्ट ऑफ द लवली सेबल्स एंड थिंग्स। और मुझे पता चला है कि सेबल की खाल से बने हुए ऐसे कई सारे फर्स वहां पर मिलते हैं। अब सेबल एक जानवर है जिसकी चमड़े को
सॉफ्ट समझा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग फर्स के ड्रेसेस बनाने के लिए, स्टोल्स बनाने के लिए, टू बी अमंग पीपल हु आर स्मदर्ड इन फर्स एंड व्हेन वन हैजंट एनी वन सेल्फ मेक्स वन वांट टू ब्रेक मोस्ट ऑफ दी कमांडमेंट्स। और इस प्रकार के फर्स को अगर मैंने देख लिया तो मन ललचाता है। और इतने स्मूथ फर्स वन हैजंट एनी वन सेल्फ मेक्स वन वांट टू ब्रेक मोस्ट ऑफ द कमांडमेंट्स। कोई भी आदेश हो या कोई भी गवर्नमेंट का रूल हो, उसको तोड़ने की इच्छा होती है ऐसे फर्स को देखकर। इसलिए मैं चाहती हूं कि बेटर मुझे ऐसा कोई फर दे दे। इफ इट इज फर्स दैट यू आर आउट फॉर, सेड एलिनॉर, यू विल हैव टू बी सुपरिटेंड द चॉइस ऑफ देम इन पर्सन। अब एलिनॉर का एक सजेशन है, अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें फर ही देना चाहिए गिफ्ट के रूप में, तो उस चॉइस के लिए तुम्हें एक प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी ताकि उसको पता चले कि तुम्हें फर ही चाहिए। यू कैंट बी श्योर दैट योर कजिन नोज द डिफरेंस बिटवीन सिल्वर फॉक्स एंड ऑर्डिनरी स्क्विरल। अब तुम्हारा जो मामा है उसे पता भी तो चले बर्ट्राम को कि सिल्वर फॉक्स का फर कौन सा होता है, ऑर्डिनरी स्क्विरल का कौन सा होता है। इस प्रकार के सिल्वर फॉक्स रशिया वगैरह के स्विट्जरलैंड के प्रदेश में पाए जाते हैं और इनके खाल उतार कर इस प्रकार के फर बनाए जाते हैं। तो कम से कम ऐसे महंगे मिलने वाले फर के बारे में बेटराम को पता तो चले। स्क्वेरल गिलहरी की खाल भी कुछ इस प्रकार से होती है, पर वो सस्ती होती है। देर आर सम हेवनली सिल्वर फॉक्स स्टॉल्स एट गोलियत एंड मास्टरडॉन्स। गोलियत और मास्टरडॉन्स स्विट्जरलैंड के फेमस दुकान है, और इन दुकानों में शायद इस प्रकार के मार्केट में फर्स मिलते हैं। सेट्स एंड विद साई, एक आह भरते हुए सुजैन ने किया कहा, इफ आई कुड ओनली इनविच बर्टन इनटू देयर बिल्डिंग एंड टेक हिम फॉर अ स्ट्रोल थ्रू द फर डिपार्टमेंट। कितना अच्छा होता ना, मैं बर्ट्राम को इस फर मार्केट तक ले जाऊं उसकी बिल्डिंग से और उसको समझाऊं कि मुझे क्या चाहिए। ही लिव समवेयर नियर देयर। और सुजैन कहने लगी, हाँ वो कहीं आजू बाजू में ही रहता है मार्केट के। एलियनर पूछने लगी, वही रहता है क्या? डू यू नो वॉट हिज हैबिट्स आर? क्या तुम्हें पता है कि सुजैन की उसकी आदतें क्या है? डज ही टेक ए वॉक एट एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे? क्या दिन में कभी वो चहलकदमी करता है, घूमने निकलता है? एलियोनोर जानना चाहती थी कि किस प्रकार की बेटरम की आदतें हैं मामा की, और गिफ्ट को हासिल करने के लिए कैसे उसको उस दुकान तक ले जाया जा सकता है। ही यूजुअली वॉक्स डाउन टू हिज क्लब अबाउट 3 o'clock। मुझे जहां तक अंदाजा है 3 बजे के दरमियान वो क्लब के इर्द गिर्द टहलता है। इफ इट इज अ फाइन डे, अगर दिन अच्छा है तो ऐसे घूमते रहता है। दैट टेक्स हिम राइट पास गोलियत एंड मैस्टरडॉन्स। और यही वो समय होता है वो कि गोलियत और मैस्टरडॉन्स की दुकानों में आजू बाजू में वो दिखाई देता है। ये डिपार्टमेंट है कुछ फर मिलने वाले जहां पर बेटराम को पकड़ा जा सकता है। लेट्स टू मीट हिम एक्सीडेंटली एट द स्ट्रीट कॉर्नर टुमारो। एक काम करते हैं, प्लान तो कर रहे हैं, क्यों ना अचानक बेटराम से मिला जाए इस रास्ते पर। सेड एलियोनोर, वी कैन वॉक अ लिटिल वे विद हिम एंड विद लक वी ऑट टू बी एबल टू साइड ट्रैक हिम इनटू द शॉप। एक मिलने का बहाना हो जाता है, और बाय चांस अगर मिल गया तो वी ऑट टू बी एबल टू साइड ट्रैक। हम धीरे धीरे उसको सरकाते हुए दुकान तक ले जाएंगे। एंड यू कैन से यू वॉन्ट टू गेट अ हेयर नेट और समथिंग। फिर वहां जाने के बाद तुम बहाना बनाना कि मैं तो ऐसे ही आई थी घूमते घूमते हेयर नेट लेने के लिए, बालों को ढंग से सेट रखने के लिए इस प्रकार का हेयर नेट पहना जाता है। तो सुजैन को सजेशन देने लगी एलियोनोर। दोनों सहेलियां है, दोनों में दोस्ती पक्की है। व्हेन वी आर सेफली देयर आई कैन से आई विश यू टेल मी व्हाट यू वांट योर बर्थडे। और जब इस प्रकार से हम दुकान के आजू बाजू में पहुंच जाएंगे तो मैं कह सकती हूँ कि आई विश यू टेल हिम दैट यू वांट फॉर योर बर्थडे। बर्थडे में तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, देन यू विल हैव एवरीथिंग रेडी हैंड। और फिर सारी आइडिया तो तैयार है ही अपनी कि क्या मांगना है। द रिच कासिन, द फर डिपार्टमेंट एंड द टॉपिक ऑफ द बर्थडे प्रेजेंट। फिर तुम्हारा रईस मामा है, फर का डिपार्टमेंट है और बर्थडे का टॉपिक है प्रेजेंट्स का। बस सारी चीजें आसानी से हम फिर इस बहाने बोल सकते हैं।
इट्स अ ग्रेट आइडिया, सेड सुजैन. सुजैन को लगा कि अच्छा आइडिया दिया है तुमने. यू आर रियली आर अ ब्रिक. तुम बहुत मजबूत हो सुजैन, ब्रिक की तरह. कम डाउन टुमारो एट 20 to 3, ठीक है? 3 बजे के दरमियान कल आओ. डोंट बी लेट, देर मत करना. वी मस्ट कैरी आउट और एम्ब्यूश टू द मिनट. और घात लगाकर हमला करने को एम्ब्यूश कहते हैं. चलो बर्ट्राम को यहाँ पर एम्बुश लगाकर पकड़ते हैं. एंड एट अ फ्यू मिनट्स 2-3 नेक्स्ट आफ्टरनून द फर ट्रैपर्स वॉक वेरीली टुवर्ड्स द सिलेक्टेड कॉर्नर. फिर जगह फिक्स हो गई और ये जो फर ट्रैपर्स है वहां पर ऐसे ही बेवजह चिंता से घूमने लगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि बर्ट्राम आता कि नहीं आता. अब ये फर ट्रैपर्स, इनको ट्रैप करना था फर के लिए बर्ट्राम को. एंड इन द नियर डिस्टेंस रोज द कलोसल पाइल ऑफ मेसर्स. और बाजू में ही थोड़े ही अंतर पर इस प्रकार के दुकानों की कतारें लग गई थी. कलोसल पाइल, बहुत ज्यादा नंबर में, मोर इम्पोर्टेंट, जिसको कहते हैं मेसर्स. ऐसे कई दुकानें वहां पर थी. गोलियत एंड मैस्टरडॉन्स फेम्ड एस्टैब्लिशमेंट. और गोलियत और मैस्टरडॉन्स उस इलाके की बहुत फेमस दुकानें हैं. द आफ्टरनून वॉज ब्रिलियंटली फाइन. अब सारी चीजें बिल्कुल उनके हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से लाइनअप हो रही है. दोपहर बहुत अच्छी है. एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ वेदर टू टेम्प्ट अ जेंटलमैन ऑफ एडवांसिंग इयर्स इनटू द डिस्क्रीट एक्सरसाइज ऑफ लेजरली वॉक. और मौसम इतना सुहाना है, ऐसे मौसम में बैटराम तो बिल्कुल चहलकदमी करने के लिए आएगा ही. तो सारी चीजें सेट हो गई. एलियन और सुसैन अपने प्लान के हिसाब से राह देख रही है कि कम यहाँ वो आएगा और बेझिझक हम उसे दुकान की तरफ ले जाएंगे, जो चाहिए वो मांग लेंगे. आई से डियर, आई विश यू डू समथिंग फॉर मी दिस इवनिंग, सेड एलियनार टू हर कंपेनियन. अब एलियनार सुजान से कुछ कहने लगी. मैं चाहती हूँ कि तुम भी शाम को मेरे लिए कुछ करो. जस्ट ड्रॉप इन आफ्टर डिनर वन सम प्रिटेक्स और अदर एंड से वांट टू मेक अ फोर्थ एट अ ब्रीच विद एडिला एंड आंट्स. मैं चाहती हूँ कि इस समय तुम कुछ बहाना बनाओ. एडिला और उसके आंट्स के साथ तुम ब्रिज खेलना चाहती हो. प्लेइंग कार्ड्स का एक गेम होता है ब्रिज. और आई शैल हैव टू प्ले एंड हैरी स्कैडुस इज गोइंग टू कम इन अनएक्सपेक्टेडली अबाउट 9:15 एंड आई पर्टिकुलरली वांट टू बी फ्री टू टॉक टू हिम व्हाइल द अदर्स आर प्लेइंग. अब सुजैन के सामने एलियनोर ने एक प्रस्ताव रखा. मामा है सुजैन का. एलियनोर आइडिया दे रही है. सुजैन को गिफ्ट चाहिए. एलियोनार अपनी कहानी इस कहानी में जोड़ने की फिराक में है. तुम कुछ ऐसा करना बोले कि तुम हैरी स्कैरिस ब्रुक नामक कोई लड़का तुम्हें मिलने आ रहा है और तुम आंट और आंटीज के साथ में, एडेला के साथ में वहां पर ब्रिज खेलते रहोगी और मुझे मौका मिल जाएगा कि मैं बैरटैम से बात करूं. मैं थोड़ी देर उससे बात करना चाहती हूँ मामा के साथ. अब ये कहानी का अलग मोड़ आ गया. मामा है सुजैन का, बात करना चाहती है एलिनोर. एलिनोर को बात क्यों करने दे सुजैन. सॉरी माय डियर, नो कैन डू, मैं नहीं कर सकती, बोले. ऑर्डिनरी ब्रीच एट 3 pence 100 विद सच ग्रेटफुली स्लो प्लेयर्स एज योर आंट्स एंड बोर्स मी टीयर्स आई नियरली गॉट टू स्लीप ओवर इट. मैं ये ब्रीच जैसा स्लो गेम नहीं खेलूंगी. 3 पैसे के लिए इतना टाइम पास करना मुझसे होगा नहीं. बट आई मोस्ट पर्टिकुलरली वॉन्ट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद हैरी. पर मुझे हैरी से बात करनी है, अर्ज एलियनोर, एन एंग्री ग्लिंट कमिंग इन टू हर आईज. जैसे ही एलियनोर की ये बात सुनी तो गुस्से की एक चमक उसकी आंखों में दिखाई दी. सॉरी, एनीथिंग टू ऑब्लाइज बट नॉट दैट. दुश्मनों को तभी तो करार आएगा जब दोस्ती में दरार आएगा. दोस्ती में एक प्रकार की दरार आने लगी. एंड उसने कहा, सॉरी, दोस्ती के लिए सब कुछ किया जा सकता है. ये नहीं, सेड सुजैन चेयरफुली, द सैक्रिफाइस ऑफ फ्रेंडशिप वेयर ब्यूटिफुल. दोस्ती में शहादत अच्छी लगती है सुनने में. इन अ राइज एज लॉन्ग एज शी वॉज नॉट आस्ट टू मेक देम. त्याग करना ठीक है दोस्ती में, पर ये कब तक? जब तक आपको त्याग करने के लिए ना कहा जाए तभी तक अच्छा लगता है, पर जब सेक्रीफाइस करने की बारी आती है तब तकलीफ होती है. इसलिए कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया. यहां से सुसैन ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया एलिनोर के. यहां पर कहानी का अलग ट्विस्ट आता है. एलियोनोर सेड नथिंग, कुछ कहा नहीं एलियोनोर ने फर्दर ऑन द सब्जेक्ट्स
बट द कॉर्नर्स ऑफ हर माउथ रीअरेंज देमसेल्व्स। पर चेहरे में मुंह जिस प्रकार से उसने बनाया, अपने आप को रीअरेंज किया, सुजैन को समझ में आ गया था कि कुछ तो भी गड़बड़ है। एंड देयर इज आवर मैन, एक्सक्लेम सुजैन सडनली। सुजैन ने कहा, देखो अभी जिस आदमी का हम इंतजार कर रहे थे मामा आ गया, बैठ रहे हम, देखा हरी, चलो जल्दी करते हैं। एलियोनोर और सुजैन के इस संभाषण के बीच में एलियोनोर को जो डिसाइड करना था वो फैसला शायद कर चुकी थी। सुजैन ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, तो दोस्ती में दरार तो आ गई थी। अब इस कहानी में सुजैन से इस प्रस्ताव को ठुकराने का एलियोनोर किस प्रकार से बदला लेती है, रिवेंज लेती है, ये कहानी के इस मोड़ में समझ में आता है। मिस्टर बर्टन नेट ग्रीटेड हिज कजिन एंड हर फ्रेंड विद जेन्युइन हार्टीनेस। मिस्टर बर्टन नेट को पता ही नहीं है कि किस प्रकार की डील इन दोनों के बीच में हुई, क्या बातचीत हुई। वो पूरे दिल से इन दोनों का स्वागत करता है एंड रेडिली एक्सेप्टेड देयर इनविटेशन टू एक्सप्लोर द क्राउडेड मार्ट दैट स्टूड टेम्पटिंगली एट देयर एल्बो। और बिल्कुल कोहनी के किनारे ही मार्केट है, और मिस्टर बर्टन एग्री हो गए, चलो मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं। द प्लेट ग्लास डोर स्वंग ओपन एंड टू प्लंग्ड ब्रेवली इनटू द जॉस्टलिंग थ्रॉंग्स ऑफ द बायर्स एंड लॉयटरर्स। बहुत सारे बेवजह घूमने वाले लोग इधर उधर देख रहे थे चहलकदमी करते हुए, और इस भीड़ में उस दरवाजे को हिम्मत करके ट्रियो प्लंग्ड ब्रेवली, साहस का ही काम था ऐसे महंगे दुकानों में प्रवेश करना, पर अभी बैठे हुए उनके साथ में है तो चिंता का विषय नहीं है। इज इट ऑलवेज एज फुल एज दिस, आस्क्ड बर्टम एलिनोर। बर्टम ने एलिनोर से पूछा, क्या हमेशा ऐसी भीड़ रहती है? मोर और लेस एंड ऑटम सेल्स आर ऑन जस्ट नाउ, शी रिप्लाइड। एलिनोर ने कहा, हाँ हमेशा ऐसे ही होता है, अभी तो ऑटम का सीजन चल रहा है, सेल्स चल रहा है, इस प्रकार की भीड़ तो दिखाई देगी। सुजैन इन हर एंग्जाइटी टू फॉइल इट हर कजिन to the desired heaven of the fur department was usually a few paces ahead of the others. Suzanne सामने से लीड कर रही थी ताकि वो बैटरन को उस कॉर्नर तक ले जाए जहां वो लेके जाना चाहती थी। Coming back to them now and then, if they lingered for a moment at some attractive counter with a nervous solicitude, if the parents look encouraging its young ones when their first flying expedition, और ऐसा लग रहा था कि किसी नई यात्रा पर इस दुकान में आए हैं वो लोग, और माँ बाप पीछे पीछे रह जाते हैं, जिसको लेना था वो बच्चे आगे आगे निकल जाते हैं। सुजैन उत्साह के साथ आगे निकल गई और एलियोनोर इधर बर्टम के साथ में है। इट्स सुजैन्स बर्थडे ऑन वेडनेसडे नेक्स्ट वेंसडे को सुजैन का बर्थडे है, confided Eleanor to Bertram Nate. Bertram Nate से अब मौका पाकर Eleanor धीरे से बात करने लगी। Suzanne आगे है, वो चीजें ढूंढ रही है और Eleanor अपना रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रही है। When Suzanne had left him unusually far behind, Suzanne ने बहुत पीछे छोड़ दिया था, वो आगे निकल चुकी थी। My birthday comes the next before. यहाँ पर अभी Eleanor ने अपनी बात कह दी। सुजैन नहीं आजू बाजू में, ये पाकर सुजैन अपनी भूमिका बता रही है। बर्थडे सुजैन का है बोले, पर उसके पहले मेरा बर्थडे आता है, बिफोर, इसके पहले तो कहा मार्च एंड तक आएगा ही नहीं बर्थडे। अभी जैसे ही बर्थडे को देखा अपना प्लान वो सक्सेस करने पे लग गई। सो वी आर बोथ ऑन द लुक आउट फॉर समथिंग टू गिव ईच अदर। अब दोनों के बर्थडे है, मेरा पहले आता है उसका बाद में आएगा, झूठ बोल रही वहां पर, और दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए सोच ही रहे हैं। बोले, आह सही बेटा, न्यू परहैप्स यू कैन एडवाइस मी ऑन दैट वेरी पॉइंट। धीरे से बहुत चालाकी से एलियनोर ने बात कह दी। बेटा ने कहा, हाँ अच्छा है, तुम अभी एडवाइस कर सकती हो मुझे इसी मुद्दे पर। आई वॉन्ट टू गिव सुजैन समथिंग, मैं सुजैन को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। एलियनोर और सुजैन ने जब बातचीत की थी तो सुजैन ने बता दिया था कि उसे फर चाहिए। अब यहाँ पर बर्टन सुजैन को गिफ्ट देना चाहते हैं, एंड आई हैवंट लीस्ट आइडिया व्हाट शी वांट्स। एलियोनोर से बर्टन कहता है कि सुजैन को क्या गिफ्ट देना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोले, अच्छा हो गया तुम मिल गई, तो तुम अपनी सहेली को क्या गिफ्ट चाहिए वो बता सकती हो। शी इज रादर अ प्रॉब्लम, सेड एलियोनोर।
एलिनोर ने कहा, वहां उसको भी प्रॉब्लम जा रहा है। शी सीम्स टू हैव एवरीथिंग वन कैन थिंक ऑफ। जहां तक मैं सुजैन को जानती हूँ, हम जिस बारे में सोच सकते हो सारे के सारे गिफ्ट उसके पास है। क्या किस्मत वाली लड़की है ना सुजैन। अ फैन इज ऑलवेज यूजफुल। मुझे लगता है फैन हमेशा ही अच्छा गिफ्ट रहा है। शी विल बी गोइंग टू अ लॉट ऑफ डांसेस एट डेवोस दिस विंटर। और वो डेवोस जाने वाली है, तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा डांस करेगी। पंखे के अलावा दूसरा कोई गिफ्ट उसके लिए हो ही नहीं सकता। जिस बात से सुजैन चिढ़ती थी, बहुत सारे पंखे उसके पास थे, उसी बात को अब एलियनोर उसके मथे मढ़ने वाली है। यस आई शुड थिंक ऑफ अ फैन, बट प्लीज हर मोर देन एनीथिंग। मुझे लगता है फैन ही सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। बात करने के लिए परमिशन मांगी थी, नहीं दी तो बदला इस तरीके से ले रही। आफ्टर आवर बर्थडेज आर ओवर वी इंस्पेक्ट ईच अदर्स मस्ट और प्रेजेंट एंड आई ऑलवेज फील ग्रेटफुली हम्बल। इतने सारे गिफ्ट्स अब मिलते हैं सुजैन को, कितने सुंदर सुंदर गिफ्ट। उसके गिफ्ट देखकर तो मुझे भी जेलेसी होती है। मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मांगा नहीं है, पर अपनी बात को वो बिल्कुल धीरे से सामने सरका देती है। शी गेट्स सच नाइस थिंग्स। कितने सुंदर गिफ्ट मिलते हैं ना, एंड आई नेवर हैव एनीथिंग वर्थ शोइंग। और मेरे पास तो दिखाने के लायक एक भी गिफ्ट नहीं होता। यू सी नन ऑफ माय रिलेशंस और एनी ऑफ द पीपल हु गिव मी प्रेजेंट्स आर एट ऑल वेल ऑफ। ना तो मेरे दोस्त रही से और ना ही मेरे रिश्तेदार। सो आई कांट एक्सपेक्ट देम टू डू एनीथिंग मोर देन जस्ट रिमेंबर अ डे द सम लिटिल ट्रिफ। कोई फालतू सा ऑर्डिनरी गिफ्ट दे देते हैं और मेरा बर्थडे उनको याद भी नहीं रहता। और इस प्रकार से मेरे रिश्तेदार गरीब होने के कारण मुझे कोई अच्छा गिफ्ट नहीं देता। बेटा हम बहुत रईस है और बेटा हम के सामने इस प्रकार के जाने अनजाने प्रस्ताव को वो सामने रखती थी। 2 years ago, an uncle of my mother's side of the family who had come into a small legacy promised me a silver fox toll for my birthday. एलियनोर ने बर्टन से कहा, सुजैन आगे चली गई। उसका ध्यान ही नहीं है कि इधर किस प्रकार का कट कारस्थान एलियनोर रच रही है बर्टन के साथ। बर्टन को धीरे से कहा, पिछले 2 साल पहले मेरे माँ के एक अंकल ने मुझे मुझे एक स्टोल सिल्वर फॉक्स स्टोल देने का वादा किया था बर्थडे के ऊपर। आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई वॉज। बट मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितनी उत्साहित थी उस गिफ्ट के लिए। हाउ आई पिक्चर्ड माई सेल्फ शोइंग इट ऑफ। मैं कल्पना कर रही थी कि स्टॉल मिलेगा, मैं लोगों को दिखाऊंगी, टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दुश्मनों को भी दिखाऊंगी, जलाऊंगी उनको। देन जस्ट एट दैट मोमेंट हिज वाइफ डाइड। और मेरे साथ इतना बुरा हुआ, उसी समय उसकी बीवी मर गई। एंड ऑफ कोर्स पुअर मैन ही कुड नॉट टू बी एक्सपेक्टेड टू थिंक ऑफ बर्थडे प्रेजेंट एट सच टाइम। और ऐसे समय उसको मेरे बर्थडे प्रेजेंट का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार का स्टोल उसे चाहिए था, फर का बना हुआ। फर तो चाहिए था सुजैन को। एलियनोर ने अपना काम सीधा कर दिया। उल्लू ही हैज लिव्ड अब्रॉड एवर सिंस। और तब से वो देश के बाहर ही है। एंड आई नेवर गॉट माई फर। और मुझे कभी फर मिला ही नहीं। डू यू नो टू दिस डे आई कैन स्कैर्सली लुक एट द सिल्वर फॉक्स पेल्ट इन शॉप विंडो और अराउंड एनी वंस नेक विदाउट फीलिंग रेडी टू बर्स्ट इन टू टीयर्स। और जब भी मैं दीवारों पर इस प्रकार के सिल्वर फॉक्स पेल्स देखती हूँ, मुझे रोना ही आ जाता है। आई सपोज इफ आई हैडंट हैड दिस प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेटिंग वन, आई शुडंट फील दैट वे। लुक देर इज अ फैन काउंटर। अब धीरे से अपनी बात तो कह दी, मुझे लगता नहीं कोई देगा मुझे इस प्रकार का गिफ्ट। पर धीरे से अपनी चाहत को उसने बेटा के सामने बता दिया। लुक देयर इज अ फैन काउंटर। चलो वो फैन काउंटर, बात करते करते पंखों वाला एक काउंटर आ गया। एंड इज स्लीप अवे इन द क्राउड, गेट हर एज नाइस एज वन एज यू कैन सी, शी इज सच डियर डियर गर्ल। देखो अब जो भी सबसे अच्छा फैन पसंद आए आप ले लो। और वैसे भी वो आपकी चहेती भांजी है, आप कुछ भी ले सकते हो उसके लिए। हेलो आई थॉट आई हैड लॉस्ट यू, सुजैन ने ढूंढ लिया इतने में। मुझे तो लगा तुम खो ही गए होंगे। मेकिंग अ वे थ्रू एन ऑब्स्ट्रक्टिव नॉट शॉपर्स एंड वेयर इज बेटर, एक दुकान में लगी पट्टी को हटाते हुए, नॉट शॉपर्स को हटाकर वो वहां पर गई। बाधा को पार करते हुए पूछने लगी, वेयर इज बर्ट्रैम, बर्ट्रैम कहाँ गया। बर्ट्रैम खो गया था उस भीड़ में, पंखों को ढूंढ रहा था। और आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिम लॉन्ग एगो।
सुजैन से झूठ बोल रही एलिनॉर, अपना षड्यंत्र तो कामयाब कर दिया, बैटराम को जो बताना तो बता दिया, और झूठ बोल रही, मैं तो बहुत देर से खो चुकी हूँ, बोले बैटराम दिखाई नहीं मुझे कहाँ गया। तो आई थॉट ही वॉज ऑन अहेड विथ यू, मैं ये सोच रही थी कि वो तुम्हारे साथ है, मैं तो इधर ही खड़ी थी अकेले, सेड एलिनॉर, वी शैल नेवर फाइंड हिम इन दिस क्रश, और इतनी भीड़ में तो हम उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, विच टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रू प्रेडिक्शन। और मैंने बोला था ना कि बैटराम ऐसे ही करेगा, गिफ्ट वगैरह देगा नहीं, रईस लोग ऐसे ही करते हैं। और अब ट्रबल एंड फोर थॉट थ्रोन अवे, जितना सोचा था प्लान बना था सब बेकार हो गया, सेड सुजैन सिल्कली व्हेन दे हैड पुश्ड देयर वे फ्रूटलेसली थ्रू हाफ अ डजन डिपार्टमेंट्स, और बेमतलब के 10-12 दुकानों को वो ढूंढ करे। आई कांट थिंक व्हाई यू डिडंट ग्रैब हिम बाय द आर्म, सेड एलियनोर। मैं सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ थी कि हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया उसका तुमने। आई वुड हैव इफ आई वुड नोन हिम लॉन्गर, अगर मैं जानती, एलियनोर कहने लगी बर्टैम को, तो मैं पकड़ ही लेती उसका हाथ, बट आई वुड ओनली जस्ट बीन इंट्रोड्यूस, पर तुमने तो सिर्फ परिचय करा दिया था, इसके पहले मिलने भी नहीं दिया। इट्स नियरली 4 नाउ, वी वुड बेटर हैव अ टी, 4 बज रहे हैं, चाय पी लेते हैं और निकल जाते हैं। इस प्रकार की बात को एलिनॉर ने सुजैन के सामने कहा। सम डेज लेटर सुजैन रैंग एलिनॉर अप ऑन द टेलीफोन, कुछ दिनों बाद कहानी का ये अंतिम पड़ाव है, सुजैन ने एलियनोर को फोन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर द फोटोग्राफ फ्रेम, एलियनोर ने फोटोग्राफ का फ्रेम दिया था सुजैन को। सुजैन ने धन्यवाद कहा, इट वॉज जस्ट वॉट आई वॉन्टेड, झूठ बोला। सुजैन ने कहा, हाँ यही तो गिफ्ट मैं चाहती थी जो तुमने भेजा है, वेरी गुड ऑफ यू, अच्छा है तुमने भेजा हुआ गिफ्ट, ऊपर ऊपर की वो बात तो करने लगी, कहना कुछ और चाहती थी। आई से डू यू नो व्हाट द नेट पर्सन हैज गिवन मी, वो नेट आदमी ने, व्यक्ति ने मुझे क्या दिया है पता है, जस्ट व्हाट यू सेड, वो तुमने जैसा कहा था वैसे ही, अ रेशेड फैन, एक अदना सा पंखा दिया है। व्हाट, ओ यस, क्वाइट अ गुड इनफ फैन इन इट्स वे, बट स्टिल पंखा ही दिया है। यू मस्ट कम टू सी व्हाट ही हैज गिवन मी, केम इन एलिनॉर्स वॉइस ओवर द फोन। तुम्हें पंखा दिया है, एलियनॉर ने पूछा। तो एलियनॉर कहने लगी टेलीफोन पर भी, उसने मुझे क्या दिया है ये देखने के लिए तुम्हें आना चाहिए। अब बात समझ में नहीं आ रही, एलियनॉर का रिश्तेदार भी नहीं है बर्टम, बर्टम है मामा सुजैन का, सुजैन को गिफ्ट देना था, और यहाँ पर एक चिंगारी भड़क गई है, आग पेट्रोल डाल रही हो दोस्ती की आग में। तुम्हें पता है बर्टराम ने मुझे क्या दिया, एलियनोर पूछने लगी। अब इस बात को सुजैन हजम नहीं कर पाई। यू, व्हाई शुड ही गिव यू एनीथिंग, तुम्हें क्यों देगा वो कोई गिफ्ट। योर कजिन अपीयर्स टू बी वन ऑफ दोस रेयर पीपल ऑफ वेल्थ हु टेक अ प्लेजर इन गिविंग गुड प्रेजेंट्स, केम द रिप्लाई। तुम्हें क्यों देगा गिफ्ट, सुजैन पूछने लगी। एलियनोर ने कहा, तुम्हारा रईस मामा उन लोगों में से दिख रहा है, बोले जिन लोगों को अपनी रईसी दिखाने के लिए दूसरों को गिफ्ट देना खुशी की बात लगती है, तो शायद इस वजह से दिया हो। आई वंडर्ड व्हाई ही वाज सो एंग्शियस टू नो वेयर शी लिव्ड, स्नैप्ड सुजैन टू हरसेल्फ एज शी रैंग ऑफ। टेलीफोन बंद करते हुए फिर सुजैन सोचने लगी, हाँ अब समझ में आया कि ये मुझे बार बार एलिनॉर के बारे में क्यों पूछ रहा था, उसके एड्रेस के बारे में क्यों जानना चाह रहा था। अ क्लाउड हैज राइज बिटवीन अ फ्रेंडशिप, दोस्ती के बीच में वो दरार आ चुकी थी। अब द टू यंग वुमेन, अब अफार एज एलियनर इज कंसर्न, द क्लाउड हैज सिल्वर फॉक्स लाइनिंग, और दोस्ती में, इतने साल के दोस्ती में, एक मैंने हर बादल के पीछे एक इस प्रकार की सुनहरी किनार होती है ऐसा कहते हैं, पर ये किनार इस दोस्ती में, बादल में, ये थी सिल्वर फॉक्स लाइनिंग की, जो सिल्वर फॉक्स का फर एलिनॉर ने लिया था सुजैन से, ये फर उनके दोस्ती में अब एक प्रकार की दुश्मनी का कारण बन गया था। इस प्रकार की अनएक्सपेक्टेड एंड के तरफ साकी अपनी कहानियों को ले जाते हैं। गाय द मपासा के बाद में धक्का तंत्र की ये कहानियां लिखने का हुनर साकी को बखूबी हासिल है, जिस बात की हम कहानी में उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसे अनएक्सपेक्टेड एंड की तरफ ये कहानी ले जाती है। सुजैन और एलिनार की दोस्ती इस प्रकार से दुश्मनी में बदलने के कगार पर आ जाती है। सुजैन उम्मीद करती रही बैटराम से गिफ्ट की,
और गिफ्ट मिला एलियनोर को. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लेट अस होप दैट दिस डिस्कशन विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वॉट साकी वॉन्ट्स टू कन्वे थ्रू स्टोरी. थैंक यू वेरी मच.